शांति। आज की तारीख है 20/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप कहते हैं कि हमारी ये वंडरफुल पाठशाला है। कैसे वंडरफुल है? पाठशाला में तो सभी आते हैं, जो आते हैं उनको बैठकर शिक्षक पढ़ाते हैं, तो ये पाठशाला में ऐसा क्या वंडर है जो बाबा कहते हैं कि ये पाठशाला वंडरफुल है? तो आइए बाबा के मुख से ही सुनते हैं कि बाबा क्या कहते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती और फिर भी पढ़ रही है, और पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। तो ये विचित्र बात हो गई ना, न पढ़ाने वाला दिखाई पड़ता न पढ़ने वाले दिखाई पड़ते। अच्छा, पाठशाला दिखाई पड़ती है, पाठशाला का क्लासरूम दिखाई पड़ता है, हाँ वो दिखाई पड़ते हैं, तो फिर ये क्या बात हो गई? तो बाबा कहते हैं ये है नई बात। हाँ, इस नई बात को हम संगम युगी ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, और उसकी समझ क्या है? यही है कि पढ़ने वाली मैं आत्मा हूँ और पढ़ाने वाला भी हम आत्माओं को परम पिता परम आत्मा है। अच्छा, प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? आज बाबा हमें पाठशाला की सब नई नई बातें बताते हैं, वंडरफुल बातें बता रहे हैं। उत्तर है कि यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर, ध्यान से सुने सभी, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि न हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो, तो तुम्हें बुरे ख्यालात भी कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती है। अच्छा गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। धारणा के लिए मुख्य सार के दो बिंदु। नंबर एक बिंदु है, पवित्रता की चलन अपनानी है। आज बाबा की शुरुआत ही ऐसे ही हुई है कि दृष्टि को शुद्ध रखना है, वृत्ति को भी पवित्र रखना है, तो पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि और बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। नंबर दो है, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं कनेक्शन भी कैसा रखो, रूहानी कनेक्शन रखो, ब्लड कनेक्शन नहीं, लौकिक दैहिक कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान है आज का, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले, देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वो यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते हो। जैसे गुफा के अंदर
रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हो, ऐसे ये अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वो स्वतः ही सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन है आज का, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है, तो विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।